फ्रेंड्स शुरू कर रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स शुरू कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हैं क्या कर रहे हैं? यूनिट्स यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिटें क्या क्या होंगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। पहला है कि अगर किसी भी चीज़ की यूनिट निकालनी हो तो उसके बेसिक फंडामेंटल चीज क्या होना चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए, कि मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मान लीजिए अभी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक एक रिएक्शन है, मान लो कोई एक रिएक्शन है ए ए प्लस बी स्मॉल बी कैपिटल बी, ये इक्विलिब्रियम में है आपका, ये है आपका इक्विलिब्रियम में, और किसके साथ है इक्विलिब्रियम में, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स प्लस है आपका स्मॉल वाई और कैपिटल वाई के साथ, ठीक है। ये एक आपकी रिएक्शन हो गई। तो अगर मैं क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम का है तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर मैं के सी की वैल्यू निकालता हूँ तो के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर क्या हो जाएगा स्मॉल एक्स, और कंसंट्रेशन ऑफ y की पावर कितना हो जाएगा बताओ स्मॉल y हो जाएगा, अपॉन अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ, अपॉन में हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल A की पावर स्मॉल a, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल B की पावर स्मॉल क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनकी बात करते हो तो इनको देखना कैसे, देखो कंसंट्रेशन टर्म को हटा देते हैं, कंसंट्रेशन क्या होती है बताओ, मोल पर लीटर होती है, यानी कि मैं मोल पर लीटर इनका लिख सकता हूँ, यानी कि क्या कर सकता हूँ बताओ, मोल मोल पर लीटर है ना, पर लीटर की पावर क्या कर सकता हूँ बताओ, देखो एक्स और वाई दोनों की पावर क्या हो जाती है जुड़ जाएंगी तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा बताओ वाई हो जाएगा, अपॉन में फिर से मोल पर लीटर और इनटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, सही है। इससे क्या निकलेगा, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। अब ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाने पे क्या बनेगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी मतलब ऐसे मोल पर लीटर है ना, इसमें मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर और अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ मोल पर लीटर हो जाएगा, सही है। और इसकी पावर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू में क्या हो जाएगा मतलब ऊपर जाएगा माइनस होगा माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा बताओ बी हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा बी। देखो अगर इसको देखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है डेल्टा होता है और ये मोल्स हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो निकल जाएगी आपकी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। अगर आपसे डेल्टा एन क्या है, अगर इसने पूछा डेल्टा एन क्या है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ एक्स प्लस वाई माइनस में क्या होगा बताओ ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन की वैल्यू। ये तो आया आपका के सी, केसी कब आया जब आपके कंसंट्रेशन टर्म दियो। अगर मैं इसको गैसियस स्टेट मानता हूँ तो तब क्या निकालूंगा मैं, केपी निकालूंगा ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा केपी बराबर क्या लिखूंगा, अच्छा केपी बराबर मैं लिखूंगा कि देखो मोल पर लीटर तो नहीं होता है, इसका मतलब केसी के लिए हम डायरेक्टली क्या केपी के लिए क्या प्रेशर यूज होगा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है बताओ, डायरेक्टली एटीएम लिख सकते हो, एटीएम हो जाएगा और एटीएम की पावर में क्या आ जाएगा बताओ आपका डेल्टा एम सीधे। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ भी नहीं है, यानी कि कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है बताओ मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होती है, और जो केपी होता है यानी कि प्रेशर क्या होता है बताओ एटीएम होता है, क्या होता है बताओ एटीएम, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका दोनों ही, अगर एक टर्म भी आपने याद रखा या फिर जनरली अगर आपने केवल ये आपकी जो इक्वेशन है इसको भी याद रखा तो आपका क्या बन जाएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा, बहुत ईजी है ना। थैंक यू सो मच।